वेलकम स्टूडेंट सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास फोर सब्जेक्ट टीवीएस लेसन सेकेंड ईयर टू ईयर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट फादर्स इन एनिमल्स. सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. कुछ ऐसे जानवर जिनके हम कान देख सकते हैं. इन दिस पिक्चर वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल. नंबर फर्स्ट, इट हैज़ वेरी बिग ईयर लाइक फैन. इसके जो कान है वो पंखे की तरह दिखते हैं और बड़े होते हैं. सेकेंड पिक्चर, माउस. इट हैज़ स्मॉल साइज एंड स्मॉल ईयर. इसके जो साइज होती है वो छोटे होते हैं, इसके जो कान है वो बहुत छोटे होते हैं. थर्ड पिक्चर, रैबिट. इट हैज़ फरी मेम्बल्स एंड स्ट्रॉन्ग ईयर, लॉन्ग ईयर. इसके ये जो मेम्बल होते हैं, रैबिट जो मेम्बल है, इसके जो फरी मेम्बल्स होते हैं ये रोएदार होते हैं. इसके कान थोड़े बड़े होते हैं और स्ट्रांग होता है, मजबूत होते हैं. फोर्थ पिक्चर, डॉग. इट हैज़ लॉन्ग डाउन ईयर एंड लॉन्ग एंड सॉफ्ट साउंड. इसके जो कान ना होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और नीचे की तरह लटके हुए होते हैं. ये लंबी और मुलायमदार आवाज़ सुनते हैं. सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कांट सी. कुछ ऐसे जानवर के बारे में बात करें जिनके कान हम देख नहीं सकते. इन दिस पिक्चर वी कैन से डिफरेंट बर्ड्स इन डिफरेंट स्पीसीज. फर्स्ट, स्पैरो. जैसे चिड़िया है, चिड़िया सुन सकती पर उसके कान हम देख नहीं सकते हैं. आंट है, आंट भी सुन सकती पर उसके कान हम देख नहीं सकते. फिश भी सुन सकती है पर उसके कान हम देख नहीं सकते. फ्रॉग भी सुन सकते पर उसके कान हम देख नहीं सकते. इन दिस पिक्चर वी कैन सी सम बर्ड्स, दे हैड ईयर बट वी कांट सी. कुछ ऐसे जानवर के कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बात करेंगे जिनके कान हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल, इन दिस पिक्चर फर्स्ट पिकॉक, सेकेंड पैरोट, थर्ड क्रे, फोर्थ हैन. ये जो बर्ड्स हैं इनके कान हम देख नहीं सकते. इन दिस पिक्चर वी कैन सी सम बर्ड्स, दे हैव ऑल्सो ईयर बट वी कांट सी. ऐसे पक्षियों के बारे में बात करेंगे जिनके कान हम देख नहीं सकते. इन दिस पिक्चर वी कैन सी फर्स्ट ईगल, सेकेंड पिक्चर क्रो, थर्ड पिक्चर पीजन, फोर्थ पिक्चर आउल. हुज स्किन. वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन. ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे जिनकी स्किन होती है, उनके बाल होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स के बाल होते हैं, उनके अलग अलग स्किन होती है. इन दिस पिक्चर भी क्या है, अलग अलग पैटर्न होते हैं, डिफरेंट उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न उनके होते हैं एनिमल्स के. इन दिस पिक्चर वी कैन सी डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर बताई गई है. नंबर फर्स्ट, टाइगर. इट हैज़ ब्लैक ब्राउन येलो स्ट्रिप होती है. इसमें ब्लैक और ब्राउन येलो कलर की स्ट्रिप होती है. ज़्यादातर ये फॉरेस्ट में रहता है और ज़्यादातर ये एनिमल्स को मार के खाता है. सेकेंड पिक्चर, जेब्रा. इट हैज़ ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स. ये इसकी जो स्ट्रिप आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी जो स्ट्रिप है वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है. और जब बारिश होती है तो ये ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं. थर्ड पिक्चर, लियोपर्ड. इट हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्किन. इसके जो बॉडी पे होते हैं छोटे छोटे ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं. और ज़्यादातर ये भी फॉरेस्ट में रहता है, ये भी जानवर को मार के खाता है. फोर्थ पिक्चर की बात करेंगे, डियर. इट हैज़ स्मॉल वाइट ब्राउन येलो स्पॉट्स होते हैं इसके छोटे छोटे और ब्राउन येलो स्पॉट्स होते हैं. ज़्यादातर ये भी फॉरेस्ट में रहता है. और इनकी जो स्किन है खुद ही अपने आप में रिकॉर्गनाइज करते हैं खुद के ही एनिमल्स. ये ऑल फोर एनिमल्स के बारे में बात करी अपन ने, ही खुद ही इनकी खुद की स्किन होती है, खुद के बारे में रिकॉर्गनाइज करते. सम एनिमल्स हैज ईयर ऑन स्किन. कुछ जानवर की त्वचा पर बाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. इन दिस पिक्चर वी कैन सी फॉक्स, कैमल. फॉक्स के भी लॉन्ग हेयर होते हैं, उनके बड़े बाल होते हैं. कैमल के थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं. और ये इसकी जो बॉडी, इसके जो बाल है ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए बचाता है. और ज़्यादातर ये डेजर्ट एरिया में रहता है कैमल.
और ज्यादातर ये डेजर्ट एरिया में रहता है और ज्यादातर राजस्थान में रहता है। सम एनिमल्स हैज फदर्स ऑन स्किन। कुछ जानवर की त्वचा पर पंख होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन दिस पिक्चर फर्स्ट पिजन, इसके जो पंख होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और थोड़े ब्लैकिश, इसमें ब्लैकिश कलर की जो इसमें लाइनिंग होती है। और सेकेंड पिक्चर है हैन, हैन के भी जो पंख होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। सम एनिमल्स गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज। कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन दिस पिक्चर्स फर्स्ट डॉग जो अपने बेबी को जन्म देते हैं, लॉयन जो अपने बेबी को जन्म देते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, एलिफेंट एटसेट्रा, ये अपने बेबीज को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स टू देयर बेबीज। कुछ ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देते हैं। इन दिस पिक्चर फर्स्ट हैन, स्नेक एंड अदर बर्ड्स। ये जो हैन और स्नेक है ये अंडे के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एंड अदर बर्ड्स। डायनासोर्स। मेनी मेनी ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक। हमने देखा डायनासोर पहले थे अपने पृथ्वी पे, अब नहीं है। ज़्यादातर अपन इनको फिल्म्स में, पिक्चर में, बुक में और फोटोज में देखते हैं, म्यूजियम में, और वहाँ पे डायनासोर देखते हैं हम। टाइगर। टाइगर नेशनल एनिमल है। इन दिस पिक्चर वी कैन से टाइगर, टाइगर हैज नेशनल एनिमल, इट हैज कॉर्निवरस एनिमल्स। ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहता है ये और जानवर को मार के खाता है, और जब ये दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। हमने इस चैप्टर में अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात करी है, जिनके पंख होते हैं, जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं और वो अंडे के रूप में जन्म देते हैं अपने बेबीज को। और अपन ने जिनके पंख होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात करी, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करी अपन ने, जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके कान हम नहीं देख सकते उनके बारे में भी बात करी। तो ईयर टू ईयर से सुन सकते हैं कुछ एनिमल्स और देख सकते हैं उनके एनिमल्स के बारे में बात करी अपन ने। थैंक यू।